9th आपका चैप्टर है, 13.6 एक्सरसाइज है, चैप्टर 13 है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपका 13.6 एक्सरसाइज का, ए पेशेंट इन अ हॉस्पिटल गिवन सूप डेली इन अ सिलेंड्रिकल बॉल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। बाउल मतलब देखिए क्या होती है, कटोरी, एक सिलेंड्रिकल कटोरी में उसे क्या दिया जा रहा है, कटोरी है सिलेंड्रिकल शेप की, ऐसे उसको सूप दिया जा रहा है, ठीक है। इफ़ द बाउल इज फिल्ड विद सूप हाइट, अगर बाउल बाउल की हाइट ठीक इस तरीके से बाउल, अगर उसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है ये, और प्रिपेयर डेली 250 पेशेंट, तो देखिए 250 पेशेंट को कितना सूप दे रहे होगा हॉस्पिटल वाले, अगर एक बाउल का हाइट और डायमीटर दे रखा है, देखिए डायमीटर हाइट दे रखा है तो हमसे क्या पूछा है कि कितनी कितनी वो दे रहे होंगे, तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो हमने यहाँ से वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करा, देखिए रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल बाउल आपने देख लिया 7 था डायमीटर, उसके रेडियस निकाली 3.5 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर थी ऑलरेडी। अब देखिए हमें पता है वॉल्यूम ऑफ वन बाउल का निकाला, पाई आर स्क्वायर एच हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, क्यों, क्योंकि हमारा बाउल जो है सिलेंड्रिकल शेप में है, और यहाँ से हमने निकाल लिया 154 वैल्यू लगा के सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए वो कह रहा था 250 पेशेंट को कितना सूप दे रहे होंगे वो, तो 250 से मल्टीप्लाई करेंगे एक बाउल के वॉल्यूम से, जो जो हमने ऊपर ऑलरेडी निकाल रखा है 154 से 250 की मल्टीप्लाई करी, तो 38.5 सेंटीमीटर क्यूब में आपका वॉल्यूम आएगा। अब देखिए सेंटीमीटर क्यूब से मीटर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, देखिए हम आपको 100 से डिवाइड करते हैं, सीधे हमने 100 से डिवाइड करा तो कितना आ गया 1000 से डिवाइड करते हैं सॉरी, ठीक है 38.5 आपका आंसर आ गया, ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया, जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। देखिए आपको 13.7 एक्सरसाइज नेक्स्ट हम वीडियो में बताएंगे।